बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन में हमें 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन करेंगे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। करने से पहले आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करके जाना, आगे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना आवश्यक है। देखेंगे सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा होता क्या है, ये पहले आप लोग डेफिनेशन जान लीजिएगा, ठीक है। तो स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर आप अच्छे से पढ़ पाएँ तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सके और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्राउ एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन ही व्याख्या करता है, यह पर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है यानी कि डेफिनेशन। तो सेकंड बात है स्किनर के अनुसार, देखिए यहाँ से एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्टीफन के अनुसार या स्किनर के अनुसार या कार्ल सोनिक के अनुसार, इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, या फिर स्किनर के अनुसार या फिर कार्ल सोनिक के अनुसार। तो तीनों टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर ये टेल फोर्ड के अनुसार है ना, तो जो जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर कि स्टीफन के अनुसार एक बार फिर से देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, बस इतना टॉपिक। सेकंड है क्राउ एंड क्राउ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो देखिए मैं कहता हूँ गारंटी है, ठीक। कार्ल सोनिक के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, सिद्धांत व परिणाम का शिक्षा का क्षेत्र, यही अनुप्रयोग है शिक्षा का मनोविज्ञान कहलाता है। अगर टेलफोर्ड के अनुसार पूछा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है, सीखने से है, यह मनोविज्ञान वह अंग है जो शिक्षा मनोविज्ञान के पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य दो भागों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन सा दो विभाजित, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो क्रमिक में आपको बताऊंगा, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा सामान्य उद्देश्य में सिद्धांतों की खोज तथा संग्रहण करना। दूसरा टॉपिक है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता देना, शिक्षण विधि सुधार करना, शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्यों की पूर्ति करना। ये टॉपिक आप एक बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगा जी, आप निश्चिंत रूप से तैयारी करते रहें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद मेंबरशिप की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पैड क्लास रहेगा, जिसमें आपको 499 रुपये की फीस रहेगी हॉस्टल वार्डन का न्यूनतम शुल्क के साथ, ठीक। चलिए वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक। चलिए इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य देखिए दूसरा नंबर है बालकों के प्रति निष्पक्ष हुआ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना। सेकंड है शिक्षा के स्तर व उद्देश्य को निश्चित करना, शिक्षण परिणाम जानने में सहायता करना, छात्र व्यवहार को समझने में सहायता देना, शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान करना, यानी कि 5-5 टॉपिक, इसमें 5 टॉपिक, साथ ही मैं आपको पहले बताया था ये वाला विशिष्ट में सामान्य उद्देश्य में, इसमें भी आपका 5 टॉपिक। तो ये आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप लिंक का ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। बात करते हैं कि यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, तो उसका क्षेत्र क्या है, तो बालक की विशेष योग्यता का अध्ययन करना, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना, बालक की रुचि व रुचि का अध्ययन करना, बालक के मूल प्रतियों का अध्ययन करना, बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करना, अपराधी असामान्य मन बुद्धि का बालकों का अध्ययन करना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है या किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये टॉपिक आप एक बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा, ठीक, ये वाला टॉपिक रिवीजन अवश्य करें। चलिए आप यहाँ पर देखेंगे
शिक्षण विधियों द्वारा उपयोग संबंधी अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्य उनके प्राप्त तरीकों का अध्ययन, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी अध्ययन, शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन, सीखने की अध्ययन। इसके बाद मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो आप लोग बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका डेफिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार जरूर कीजिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्ट 6 में रहेगा, पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। या और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आप सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला परिचालक